से तो बाहर पढ़ने के लिए गई हूँ, आगे स्टडी करने के लिए, जैसे मास्टर्स और ग्रेजुएट कोर्सेस और स्कॉलरशिप के लिए गई हूँ। तो इसके गोथे इंस्टीट्यूट में रिकॉग्नाइज किया हमें कहना, और इनके जो हेड है दिल्ली से, वहाँ से अनेक स्कूल ऑफ पावन गोथे इंस्टीट्यूट से यहाँ विजिट किया है, और साथ में हमने बच्चों को जर्मन प्रमोशन भी, ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी, लैंडमार्क्स ऑफ जर्मन भी किया है। आपसे जानना चाहिए किस तरह के कोर्सेज ऑफर करते हैं और बच्चों का क्या स्ट्रेंथ रहता है, क्या आगे अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी जर्मनी में? बच्चों का स्ट्रेंथ एक्चुअली, इससे पहले मैं जेपी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुकी हूँ और विद्यालय में भी पढ़ा चुकी हूँ, तो बच्चों का स्ट्रेंथ तो मुझे हर जगह अच्छा ही मिला है। और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट से स्टार्ट किया है वह यहाँ के और वीकेंड कोर्सेज में भी काफ़ी बच्चे हैं जो कि स्कूल के बच्चे हैं, और एडल्ट कोर्सेज जो कि शाम को 5 to 7 होते हैं उसमें भी प्रोफेशनल्स में फर्स्ट ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जिन्होंने कहा काम करना हायर स्टडी के लिए या मल्टी नेशनल कंपनीज में काम करना। कोर्सेज में डिप्लोमा कोर्सेज ज़्यादा है या फिर जैसे बैचलर्स लेवल का है कोर्सेज? एक्चुअली यूरोपियन मेथड पे बेस्ड है, तो गोथे इंस्टीट्यूट मैक्सिमम और गवर्नमेंट जो फॉलो करते हैं, जैसे हमें लेवल्स करने होते हैं क्लियर, जो बिगनर्स कोर्स है वो A1 लेवल है, जो इंटरमीडिएट कोर्स है वो B1 to B2 लेवल है, जो बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स हो जाते हैं बच्चे वो C1 और C2। इस मेले का आयोजन का क्या एक ऐसा हम मान सकते हैं कि यहाँ से आप बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएँ सीखें, और क्योंकि ये दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, और जर्मन लैंग्वेज तो साइंस और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है, तो इसमें बच्चे अच्छी जॉब्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।